Good morning, students. Hope you are doing well. I, Dinesh Rawat, your subject faculty, welcome you all. So the subject is research methodology, and the topic for today is qualitative and quantitative research. So previous lectures mein humne discuss kara tha types of business research. उसी कंटिन्यूशन में हम डिस्कस करते हैं आज दो तरह की जो बिजनेस रिसर्च होती है जो हम जनरली यूज करते हैं अपने रिसर्च पेपर्स में. सो फर्स्ट इज क्वालिटेटिव एंड सेकंड इज क्वांटिटेटिव. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सो दीज आर द बुक्स जिनकी हेल्प से ये पीपीटी बनाई है. सो कूपर एंड शिल्डर बिजनेस रिसर्च मेथड, जिकमेंट एंड अदर ऑथर्स बिजनेस रिसर्च मेथड, एंड नरेश मल्होत्रा एंड डेविड बर्क्स की मार्केटिंग रिसर्च एंड अप्लाइड अप्रोच. सो पहले हम डिस्कस करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटेटिव जैसे नाम से हमें पता चल रहा है द फोकस जो होता है वो इसमें क्वालिटी में होता है, नॉट ऑन क्वान्टिटी. सो क्वालिटेटिव रिसर्च addresses business objectives through techniques that allow the researcher to provide elaborate interpretation of market phenomena without depending on numerical measurement. ये जो highlighted आप words देख रहे हैं, these are the key words. Whenever you write definition of qualitative research, तो the focus is on these words. So there is no dependence on numerical measurement. Numerical measurement नहीं की जाती है qualitative research में. So आप अपने objectives को answer करते हैं, address करते हैं through techniques, जहां पर researcher जो होता है वो numerical measurement को use नहीं करता है. So that is the important part in qualitative research. Qualitative research focus is on discovering true inner meaning and new insights. So, किसी चीज को आप डिटेल्ड में स्टडी कर रहे हैं और उसमें न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं यूज कर रहे हैं, देन दैट टाइप ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड क्वालिटेटिव बिजनेस रिसर्च. सो एज द वर्ड इंप्लाई, क्वालिटेटिव रिसर्च इज इंटरेस्टेड मोर इन क्वालिटीज देन क्वांटिटीज. सो क्वांटिटी ऑब्वियसली जब न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं है तो क्वांटिटी पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं होता है. देयरफॉर क्वालिटेटिव रिसर्च इज नॉट अबाउट अप्लाइंग स्पेसिफिक नंबर्स. द फोकस इज ऑन not about applying specific number to measure variables using statistical procedures to numerically specify a relationship strength. So do variable ke beech mein relationship aap determine kar rahe hain, agar koi kisi variable ko aap measure kar rahe hain, study kar rahe hain, aap performance measure kar rahe hain, aap satisfaction measure kar rahe hain, lekin jab aap numbers use nahi kar rahe hain, so that type of research is called qualitative research. It does not rely on self-response questionnaires containing structured response formats. So, जो ये questionnaires होते हैं जिसको हम generally study में use करते हैं, उसमें generally आपको आप देखते हैं जब भी आप कोई questionnaire fill करेंगे तो आपके पास 5 options होते हैं, strongly agree से strongly disagree, या 7 options हो सकते हैं. So वो Likert scale होता है. उसमें आपको पता है कि उस फॉर्म को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड रेस्पॉन्स फॉर्मेट होता है वो, क्योंकि आपको पता है उसमें 7 ऑप्शंस है, उसी में से एक आपको टेक करना होता है. तो क्वालिटेटिव रिसर्च में इस तरह के स्ट्रक्चर्ड रेस्पॉन्स फॉर्मेट्स यूज नहीं होते हैं. सो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है डज नॉट रिलाई ऑन सेल्फ रेस्पॉन्स क्वेश्चनेयर कंटेनिंग स्ट्रक्चर्ड रेस्पॉन्स फॉर्मेट. इंस्टेड ऑफ सेल्फ रेस्पॉन्स क्वेश्चनेयर की जगह जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होते हैं, यहां पर अनस्ट्रक्चर्ड रेस्पॉन्सेस को यूज किया जाता है, जैसे कि रिकॉर्डेड इंटरव्यूज. सो जो डेटा होता है इंटरव्यूज का, उसको हम यूज करते हैं क्योंकि वो अनस्ट्रक्चर्ड रेस्पॉन्स होते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटेटिव रिसर्च में. पहले तो न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं होता है, और सेकेंड सेल्फ रेस्पॉन्स क्वेश्चनेयर जो स्ट्रक्चर्ड रेस्पॉन्स फॉर्मेट में होते हैं वो यूज नहीं होते हैं. यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड रेस्पॉन्सेज यूज होते हैं, जैसे कि रिकॉर्डेड इंटरव्यूज होते हैं, कोलाज हो गया, विच रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ सम एक्सपीरियंस सच एज स्केटबोर्डिंग. सो दैट इज द सेकेंड मेन पॉइंट. द रिसर्चर इंटरप्रेट्स द डेटा टू एक्सट्रैक्ट इट्स मीनिंग एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन. सो क्वालिटेटिव रिसर्च में जैसे हमने डिस्कस करा, द फोकस दैट इज देयर इज नो न्यूमेरिकल मेजरमेंट, द फोकस इज नॉट ऑन न्यूमेरिकल मेजरमेंट, एंड स्पेसिफिक नंबर्स नहीं अप्लाई होते हैं. इट इज मोर इंटरेस्टेड इन क्वालिटी देन क्वांटिटी,
and it does not rely on self-response questionnaire containing structured response format. ये depend करता है या फिर ये use करता है unstructured responses such as text from recorded interview. When to use? अब आपको कब qualitative research use करनी है? So when the research objective is to develop an understanding of some phenomena in great detail and in much depth. कोई भी आप business phenomena पढ़ रहे हैं और उसको बहुत detail में आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही deep में या depth में जाकर पढ़ना चाहते हैं, तब आप use करिए qualitative research. When it is difficult to develop specific and actionable problem statements or research objectives, जब आप objectives form नहीं कर पा रहे हैं, it is difficult to form objectives, तब आप qualitative research को use कर सकते हैं. For instance, if after several interviews with the research client, the researcher still can't determine exactly what needs to be measured, तो आफ्टर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं या फिर आप इंटरव्यूज ले रहे हैं उसके बाद भी यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव और यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन व्हाट नीड्स टू बी मेजर्ड, देन आपको क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव बिजनेस रिसर्च यूज करनी चाहिए. बिकॉज ये जो क्वालिटेटिव बिजनेस रिसर्च है वो आपको हेल्प करेगी आपकी प्रॉब्लम को डिफाइन करने में, तो प्रॉब्लम डेफिनेशन में आपको हेल्प करती है. क्वालिटेटिव रिसर्च इज ऑफन यूजफुल टू गेन फर्दर इनसाइट एंड क्रिस्टलाइज द रिसर्च प्रॉब्लम. So this is the importance qualitative research की. तो this was your first type of research qualitative, जो generally हम research papers में use करते हैं, and second is quantitative. So ये इसके opposite है. अब qualitative में जैसे the focus was not on numerical measurement, यहाँ पर numerical measurement पे focus होता है. So quantitative business research can be defined as business research that address research objectives through empirical assessments that involve numerical measurement and analysis approach. So, जो भी आपके objectives हैं, जो भी framed objectives हैं, उनको जब आप measure करते हैं या उनको जब आप address करते हैं through empirical assessment that involve numerical measurement. तो उस तरह की research को हम कहते हैं quantitative research. Quantitative researchers जो होते हैं, they direct a considerable amount of activity towards measuring concepts with scales that either directly or indirectly provide numerical values. So जैसे हमने कहा questionnaire आप use करते हैं जिसमें Likert scale में आपने सारे questions पूछे हैं और उसमें आपको पता है structured format में आपके answers आएंगे. So वो आपको numerical values provide करते हैं finally. So quantitative researchers जो होते हैं they measure concepts with scales और जो ये जो scales होते हैं they directly or indirectly provide numerical values. जैसे strongly agree को हम 5 से denote कर रहे हैं, फिर न्यूट्रल को हम 3 से डिनोट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को 1 से डिनोट कर रहे हैं, तो ऑल दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज. द न्यूमेरिक वैल्यूज कैन देन बी यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग. फिर आप जब उस डेटा को फीड करते हैं, कोई भी आपका स्टैटिस्टिकल टूल है अगर SPSS है तो उसमें जब आप फीड करते हैं उसको, देन उसके बाद यू कैन टेस्ट योर हाइपोथेसिस. तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च अटेम्प्ट्स प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ समथिंग. आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है, सो देयर वुड बी प्रिसाइज मेजरमेंट. यहाँ पर कोई इंटरव्यू यूज नहीं कर रहे, इंटरव्यू डेटा आप क्वेश्चनेयर डेटा यूज कर रहे हैं. इन बिजनेस रिसर्च क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज यूजुअली मेजर कंज्यूमर बिहेवियर, नॉलेज, ओपिनियंस, एटीट्यूड. तो जनरली जैसे आप मेजर कर रहे हैं सेटिस्फेक्शन लेवल लोगों का, आप परफॉर्मेंस लेवल, आर दे सेटिस्फाइड विद दी पॉलिसीज, सो जब ऐसी चीजें आप मेजर करते हैं एंड यू यूज अ क्वेश्चनेयर, तो जनरली ये क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज हो जाती हैं. सो ये आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज करते हैं. तो आप एटीट्यूड मेजर कर रहे हैं, नॉलेज मेजर कर रहे हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर मेजर कर रहे हैं. तो थर्ड जो पैराग्राफ है, दैट इज थर्ड पॉइंट, ऑल्दो द सर्वे इज नॉट द ओनली मेथोडोलॉजी ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्चर, इट इज कंसिडर्ड अ डोमिनेंट रोल. सो सर्वे जो है, दैट इज मेजरली क्वांटिटेटिव रिसर्च में सर्वे अप्रोच हम यूज करते हैं फॉर डेटा कलेक्शन. तो सर्वे अप्रोच में हम एक क्वेश्चनेयर यूज करते हैं और एक सैंपल, हम सैंपल लेंगे रेस्पोंडेंट्स का और उनसे वो क्वेश्चनेयर फिल करवाते हैं. सो सर्वे जो है वो उसके अलावा भी और मेथोडोलॉजी है, बट सर्वे जो है दैट इज वन ऑफ द डोमिनेंट वन जो जनरली यूज होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च में. सो जैसे आपने देखा, हमने आज डिस्कस करा है टू टाइप ऑफ बिजनेस रिसर्च. सो पहली हमने करी क्वालिटेटिव. तो क्वालिटेटिव में हमने जैसे देखा कि क्वालिटेटिव एज द नेम सजेस्ट फोकस क्वालिटी में होता है, नॉट ऑन क्वांटिटी. और यहाँ पर हम न्यूमेरिकल मेजरमेंट पे एम्फेसिस नहीं होता है. सो वी द रिसर्चर डज नॉट डिपेंड ऑन न्यूमेरिकल मेजरमेंट.
और कैसे हम डेटा, कौन सा डेटा यूज करते हैं इसमें, जनरली वी डू नॉट यूज सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चनेयर, हम यहाँ पर यूज करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज, जैसे कि जो हमारा डेटा होता है फ्रॉम इंटरव्यूज और कोलाज, सो उस तरह का हम डेटा यूज करते हैं. वी डू नॉट यूज सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चनेयर, क्योंकि सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चनेयर में स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स फॉर्मेट होता है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज में हमें आंसर मिलते हैं. सेकेंड, कब यूज करना है क्वालिटेटिव रिसर्च को, कि जब आप किसी फिनोमिना को बहुत डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं या फिर आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको क्वालिटेटिव रिसर्च यूज करनी चाहिए. एंड क्वांटिटेटिव में जब आपका फोकस इज ऑन न्यूमेरिकल मेजरमेंट. और कैसा डेटा यूज करते हैं, जनरली हम सर्वे मेथड यूज करते हैं जिसमें क्वेश्चनेयर हम यूज करते हैं, और जो आपके क्वेश्चनेयर्स होते हैं उसमें स्केल्स होते हैं और जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको प्रोवाइड करते हैं. और क्वांटिटेटिव रिसर्च में वन ऑफ द डोमिनेंट मेथड जो होता है वो सर्वे मेथड होता है, और प्रिसाइज मेजरमेंट होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च में. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. सो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस, वी विल गिव अ ब्रीफ ऑफ ऑल द टाइप ऑफ बिजनेस रिसर्च, जो जो हमने पढ़ी है उसका थोड़ा डिस्कस करते हैं, एंड देन कंपैरिजन करते हैं क्या क्या डिफरेंस है, की डिफरेंस है अमंग द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.